दोस्तों, हैक और हैकिंग ये दोनों वर्ड सुनते कि पहले आप अपने फ़ोन को देखेंगे और उसके बाद आपके मन में कहीं ना कहीं तो सवाल उठ रहा होगा, क्या मेरा फ़ोन हैक हुआ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन और आईओएस फ़ोनों को हैकर्स हैक करते हैं और हमारे फ़ोनों को हैक होने से कैसे बचे, ये भी बताएंगे। और दोस्तों, कुछ हैकर तो ऐसे होते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के लिए आपसे परमिशन पूछता है और बड़ी आसानी से आप परमिशन दे देते हो बिना आपको मालूम चले, ये कैसे आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमारे फ़ोन और सिस्टमों को हैक करने के लिए हैकर्स दो टाइप से अपने फ़ोनों को हैक करते हैं, उनमें पहला है फिशिंग। दोस्तों, फिशिंग कहते कि मछली पकड़ना आप समझने होंगे, लेकिन कुछ इसी तरीके से हैकर्स हमें हैक करते हैं। यानी आपने गौर किया होगा, आपके फ़ोन में मेल्स और टेक्स्ट मैसेज में आए दिन मैसेजेस आते होंगे जिसमें लिखा रहता है कि ये फ़ोन नंबर के ओनर्स 1 लाख से 50 लाख तक इनाम जीते हैं और अधिक जानकारी के लिए लिंक पे क्लिक करिए। और दोस्तों, भूल के भी ऐसे लिंकों पे क्लिक मत करिएगा, ये लिंक तो चारा है हमें या हमारे फ़ोनों को हैक करने के लिए। अब आगे कभी भी ऐसे मैसेज आए तो उन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि कोई भी इतना पैसे आपको नहीं देगा। अगर दोस्तों आपने ऐसे फेक यूआरएल लिंकों पे क्लिक या ओपन किए तो आपके फ़ोन में एक वायरस आएगा जो हैकर्स बनाए सो रहते हैं, जिससे हैकर्स को एक एक्सेस लिंक मिल जाएगा जिसमें हैकर्स आपके फ़ोन का कोई भी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है बिना आपको मालूम चले। और दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशंस पूछता है वो ऐप, और हम बिना सोचे समझे सारे परमिशन को अलो कर देते हैं, चाहे वो ऐप लोकेशन, कैमरा, स्टोरेज और थोड़े फ्यूचरों के परमिशंस मांग रहा हो। और थोड़े ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें उन फ्यूचरों की ज़रूरत भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो उन परमिशनों को पूछते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए तो एक एडिटिंग ऐप, एडिटिंग ऐप में लोकेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी वो ऐप लोकेशन की परमिशन पूछता है। ऐसे ऐपों को आप परमिशंस ना दे दिए, और कोई भी ऐप्स को परमिशन देने से पहले सोच समझ के दीजिए। मालवेयर ये सबसे खतरनाक और क्रेजीस्ट हैकिंग तरीका है, जिसमें अनेक सारे नमूनों को यानी डिवीजन किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मालवेयर के बारे में कुछ बताएंगे। मालवेयर एक ऐसा हैकिंग प्लेटफॉर्म है जिन्हें प्रोफेशनल और क्रेजीस्ट हैकर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों, आप एक पब्लिकली फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो और उसी के द्वारा हैकर्स अपने वायरस को स्प्रेड करते हैं और जो जो ये वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हो उन सभी फ़ोनों में हैकर्स का वायरस आ जाएगा, जिससे सभी फ़ोन हैक होते हैं बिना आपको मालूम चले। गाइस, इस तरह के वायरस यानी मालवेयर वायरस सिर्फ वाईफाई के द्वारा ही आपके फ़ोन या कोई और डिवाइस में नहीं आता है, बल्कि ये वायरस तो यूएसबी के द्वारा और कोई थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए तो भी इस तरह के वायरसेस आपके फ़ोन या कोई और डिवाइस में आने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मालवेयर हैकिंग में बहुत सारे नमूनों के वायरस मिलेंगे, लेकिन उन सबसे खतरनाक वायरस है रैंसमवेयर वायरस। इस वायरस को कोई परमिशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट आपके फ़ोन या कोई और डिवाइस को हैक कर लेता है और वो डिवाइस आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता है। आप जितना चाहे कंट्रोल करेंगे उतना ही उस वायरस के अंदर आपके डिवाइस फंसते जाएगा। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये अब तक का सबसे डेंजरस वायरस है, लेकिन फ्यूचर में इससे भी डेंजरस वायरस आएंगे और उन्हें फेस करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या पता दोस्तों, अब आप ये वीडियो देख रहे हो और हैकर
आपके फ़ोन और आपके फ़ोन के कैमरे को हैक किया हो। अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन या सिस्टम को हैकिंग होने से बचाना है और आपके पर्सनल डिटेल्स या इमेजेस को वायरल होने से बचाना है, तो आप अपने लाइफ टाइम में इन 5 बातों का याद रखिए। और उनमें है, पहला, मोबाइल का वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ रखिएगा, जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर कोई ऐप आपसे परमिशन मांगे तो परमिशन देने से पहले सोच समझ के दीजिए। और उनमें तीसरा, कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस, मेल मैसेजेस और व्हाट्सएप पे आने वाले लिंकों पे डायरेक्ट क्लिक मत कीजिएगा, यानी उन वेबसाइटों को ओपन मत कीजिएगा। चौथा और मेन इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो वेबसाइट से डायरेक्टली इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें ज़्यादातर ऐप्स फेक होते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से कर लीजिए। पांचवा, अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करिएगा, और अगर कोई ऐप आपसे अपडेट के लिए पूछता है तो उस ऐप को अपडेट करिएगा, क्योंकि अपडेट करने से उस ऐप की सिक्योरिटी के फीचर्स चेंज होते रहेंगे, जिससे आपके फ़ोन प्रोटेक्ट रहेगा, जिससे आपके फ़ोन के फ्यूचर स्मूथ रहेंगे और आपका फ़ोन प्रोटेक्ट रहेगा। और इन सब में मेन बात दोस्तों, यानी सोशल मीडिया में आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, उन सब में आपके अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करते रहेगा महीने को एक बार।